क्या पढ़ा था ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में जुड़ी बात करें हमारे पास, सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है, प्राइमरी एमीन। क्या होता है दोस्त, प्राइमरी। जैसे पूरी बात करें ओजोनोलाइसिस इंपोर्टेंट थी, फाइव स्टार लगा था, वैसे थी कार्बिल एमीन भी फाइव स्टार की रिएक्शन है। ठीक है, उसमें हमने पूरी बात करें रिएक्टेंट क्या लिया था, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन या एल्काइन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर आपने रिएक्शन कराई थी, किसकी, ओजोन की, वाटर की और बेटा जिंक की। ठीक है, तो बनाया था बीटू, बात करें अपन ने वहाँ पे क्या बुढ़िया बात करें, या तो बुढ़िया बात एल्डिहाइड कीटोन एसिड बने थे वहाँ पे, याद आ रहा है। यहाँ बुढ़िया बात करें हमेशा रिएक्टेंट किसको किसको लेना है दोस्तों आपको, प्राइमरी एमीन को, चाहे तो बुढ़िया बात करें वो एलिफेटिक हो, चाहे दीदी बात करें एरोमेटिक हो। एरोमेटिक में आपको पढ़ा चुका हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जो बुढ़िया बात करें तीनों कंडीशन को फॉलो करें, साइक्लिक प्लेनर हो, दीदी बात करें हाइड्रोजन स्ट्रक्चर को फॉलो करो, साइक्लिक रेजोनेंस, उसको अपने क्या बोलते दोस्त, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बुढ़िया बात करें प्राइमरी, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे कैसा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये गुड़िया बात करें क्या बनाते हैं, आइसोशाइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ आइसोशाइनाइड है। ठीक है, इसी दीदी बात करें आइसोशाइनाइड टेस्ट को अपन क्या यूज करते हैं, गुड़िया बात करें प्राइमरी, गुड़िया बात करें सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएट करती है किसको, वन डिग्री एमीन को टू डिग्री से और थ्री डिग्री से। समझ में आ रखी है, पहली बात अपन ने क्या बोला, इसका रिएक्टेंट क्या लेना है आपको, प्राइमरी एमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे बेटा एलिफेटिक हो। और ये दूसरा अपन ने क्या बोला, गुड़िया बात करें इसमें बनता क्या बेटा, बात करें आइसोशाइनाइड, क्या बनता है आइसोशाइनाइड की बात करें बोलू, ये कैसा होता है बेटा, बात करें अनप्लीजेंट स्मेल का या फॉल स्मेल का कंपाउंड होता है। अनप्लीजेंट क्या होता है गुड़िया बात करें, जो हमारे मन को पसंद नहीं आती है, अपन बोलते ना बदबू आ रही है इसमें से, समझ पा रही नहीं यार, तो बदबू को अपन बेटा बोलते हैं अनप्लीजेंट। जो दीदी इसको बोल सकते हैं आप प्रिय गंध, क्या बोल सकते हैं, मतलब जो हमें पसंद नहीं है सीधी सी बात, उस स्मेल को अपन क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट और फॉल स्मेल, आ रहा है यार बदबूदार। तो ये आइसोशाइनाइड कंपाउंड बनता है, इसी को दीदी अपन बोलते हैं प्राइमरी एमीन टेस्ट। अब इसमें कैटलिस्ट क्या लेते हैं बेटी, बात करें तो इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म और बेटी बात करें किसी भी बेस को यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म यार रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह काम करती है, जबकि क्लोरोफॉर्म खुद रिएक्शन नहीं करती है। यहाँ पे बेटा बात करें रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह काम करेगा बेटा, बात करें डाई क्लोरोकार्बिन, कौन यूज करेगा, डाई क्लोरोकार्बिन। इस पर क्वेश्चन आ चुका है दीदी, बात करें कि बेटा बात करें कार्बिल एमीन रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज कौन होता है, तो बोलो डाई क्लोरोकार्बिन होता है। डाई क्लोरोकार्बिन का फॉर्मूला होता है बोलो, बात करें CCl2, क्या होता है बेटा CCl2, पर CCl2 आएगा कहां से, क्लोरोफॉर्म से, और क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा बात करें कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, कोई भी बेस, चाहे KOH हो, चाहे NaOH हो, चाहे कोई भी बेस हो, उसमें बस OH होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों। इतनी सी बात करें रिएक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कंडीशन की बात करते हैं जल्दी से, है ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। कार्बिल एमीन रिएक्शन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें बताओ मुझे, कार्बिल एमीन रिएक्शन की, तो ये बुरी बात करें कौन देगा बेटा, बात करें गिवन ओनली बाय या ओनली गिवन ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन गुड़िया बात करिए कौन सी हो सकती है बेटू, बात करें चाहे तो गुड़िया बात करें वो एलिफेटिक हो, क्या होता है बेटू, बात करें एलिफेटिक हो, या दीदी बात करें एरोमेटिक हो, क्या बोल सकते हो बताओ बेटू, बात करें एलिफेटिक, जानते हो गुड़िया आर ग्रुप होता है, हाँ कि ना, एलिफेटिक, या गुड़िया क्या बोल सकते हो बताओ बेटू, बात करें एरोमेटिक, एरोमेटिक जानते हो गुड़िया कौन होता है, कौन होता है एलिफेटिक, क्या होता है एलिफेटिक कंपाउंड, क्या होते पता है क्या होते हैं दीदी, बात कर रहे हैं आर ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप, क्या बोलते हैं इनको अपन, एल्किल ग्रुप ही बेटा, बात करें एलिफेटिक, और जिनमें गुड़े बात करें बेंजीन आते ना बेटा, समझ पा रहे, बेंजीन से जुड़े हुए, इनको अपन गुड़े बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक के अलावा बेंजीन अकेला नहीं आता, अपने पढ़ते हैं गुड़े बात करें, पढ़ते नहीं पढ़ते, साइक्लो गुड़े बात करें प्रोपीन एलेनियमाइन, गुड़े बात करें एनायन कैटायन, पढ़ते नहीं पढ़ते, ट्रोपोनियमाइन पढ़ते नहीं पढ़ते दोस्त, तो गुड़े बात करें ये होते हैं गुड़े बात करें एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको गुड़े बात के बारे में ये नहीं लिखेगा, तो इसकी जगह केवल लिख देता है क्या बेटू, बात करें ER, केवल क्या लिख सकता है बेटू, बात करें वो ER लिख देगा, और अगर बेंजीन लिखना है तो उसके नीचे लिख देगा पीएच फाइनल,
समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे यहाँ भी आप कोई दिखते हो तो क्या आप ये जो सी एच फोर थोड़ी देखते हो, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तभी तो उसकी एक बैलेंस ही कम होगी। और यहाँ पे हम बुढ़िया बात के एनएच टू को जोड़ देते हैं, ये बन चुका बीटू बात का आपका क्या मैथिलेमीन, ये प्राइमरी एमीन ठीक है। और यहाँ पे सी सिक्स एस सिक्स होता तो उस बैंडिंग का फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब आपको एक हाइड्रोजन हटाना है उसी पर दीदी क्या जोड़ना है, एक एनएच टू जोड़ना है बुढ़िया बात का। अमोनिया नहीं जोड़ते, अमीन जोड़ते हैं, क्योंकि अमोनिया का दूर अमोनिया तो खुद अपने आप में बेटा सर्टिफाई कंपाउंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अमोनिया को अगर देखो आप दीदी बात करो तो उसका वैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ता है बेटू इस हाइड्रोजन को हटा के, इसी दीदी बात करें बेंजीन से, किस जोड़ते बेंजीन के कार्बन से, इसको अपन बोलते हैं बेटू बात करें एरोमेटिक, क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। और इसको अपन बोलते हैं एल्किल जगह पे बोलिए मेथिल एथिल कुछ भी हुआ वो सबके सब पिटा याद करें क्या कहलाएगा एल्किल, मतलब एलिफेटिक, क्या कहलाएगा कोई एलिफेटिक बोले मतलब आपको एल्किल ग्रुप लेना है, कोई एरोमेटिक बोले मतलब उसी जगह पर बात करें जनरली बेंजीन लेना है। आपसे बोला था बेटा बात करें ऑल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बोलिए बात करें यार एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे वो बेंजीन था चाहे वो बोले क्लोरोबेंजीन था चाहे वो एनिलीन था चाहे वो आपके पास फिनोल था चाहे बेंजोइक एसिड था चाहे बेंजाल्डिहाइड था, बोला था कि दोस्त नहीं बोला था। तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आती है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ आती है गुड़िया बात करें कि अपन लिखा है प्राइमरी अमीन, क्या लिखा दोस्त, तो प्राइमरी अमीन क्या होता है, प्राइमरी अमीन गुड़िया बात करें कहाँ से बनता है अमोनिया से। अगर आप देखो बेटू बात करें अमोनिया की बैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, तीन होती है, वो तीन बॉन्ड बनाता है कि बनाता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक बेटू बात करें लोन पेयर होता है ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी अपन देखा था कि पिरामिडल था, मतलब हाइड्रोजन को थोड़ा सा नीचे की तरफ आप टेंड कर दो ठीक है, ये बेटू बात कर रहा था याद है। इसको अपने क्या नाम दिया था, इसको बोला था बुरी बात का अपन ने जी पिरामिडल स्ट्रक्चर याद है, एक लोन पेयर था ये था बुरे बॉन्ड एंगल कितना था दोस्तों हमारे पास यहां पे अमोनिया का 107 डिग्री, बहुत अच्छे। कंडीशन दीदी बात करें ऐसा करना है कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको एक आर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक हाइड्रोजन को आप हटा दो उसके दीदी बात करें कोई भी एक आर या दीदी कोई भी एक बेटा बात करें एआर जोड़ दो, एआर मतलब क्या है बुरी बात करना एरोमेटिक, समझ में आ रहा है मतलब आपको बेंजीन पर कंपाउंड जोड़ना है, तो या तो लिखे बेटा वो एआर बुरी बात करें या क्या लिख सकते हैं बेटा पीएच या बेंजीन कुछ भी लिख नहीं, समझ में आ रहा है एरोमेटिक के लिए। तो कंडीशन बुरी बात करें एआर जोड़ दो हमारे पास क्या बन जाएगा बुरी बात करें प्राइमरी अमीन। सबसे पहले गुड़िया बात करें एक हमारे पास नाइट्रोजन वही बेटू बात का लोन पेयर रहेगा, पर मैं बार बार वो आपको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस सीधे सीधे दीदी बात करें आपको सीधे सीधे दिखा दें नाइट्रोजन आ गया गुड़िया बात करें ठीक है, एक हाइड्रोजन था दूसरा हाइड्रोजन था और बस दीदी एक हाइड्रोजन की जगह पर अपन क्या लेके आ गए बेटू बात करें एक आर या दीदी ए आर लगा के आ गए, इसको अपन गुड़िया बोलते हैं हमारे पास क्या प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब गुड़िया बात करें जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओगे गुड़िया बात करें किससे कार्बन ग्रुप से, अब बेंजीन का होगा तभी गुड़िया कार्बन जुड़ा होगा और अगर मेथिल होगा एथिल होगा तभी कार्बन जुड़ा होगा, मतलब गुड़िया बात करें जितने हाइड्रोजन कार्बन से रिप्लेस हो जाए उतना दीदी बात करें वो डिग्री लग जाता है इसका, समझ में आ रहा है। आपने एल्कोहल को क्या बोला था जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो कह रहा था दीदी बात को उतनी डिग्री एल्कोहल, समझ पा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, यहाँ गुड़िया ऐसा होता है कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गुड़िया बात करें कार्बन से उतने डिग्री होता है, ये अमीन क्या है बेटू ये अमीन, पर कौन सा अमीन है वन डिग्री अमीन, इसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं बोलो प्राइमरी अमीन। तो या तो बोलो बेटा बात क्या प्राइमरी अमीन या बोल सकते हैं वन डिग्री अमीन। अब बुरी बात करें क्या करो एक बार और दीदी बात का हम खेलते हैं, हाँ कि ना दोस्तों, आपने बोलो बात करें एक हाइड्रोजन को और हटा देंगे बेटा, तो एक हाइड्रोजन को दीदी और हटा दो उस जगह पे दीदी बात करें क्या जोड़ दो कोई भी आर या दीदी ए आर ग्रुप जोड़ दो, समझ पा रहे तो गुड़िया बात करें जी बिल्कुल, तो अब दूसरी बार आ जाएगा मतलब ये आपने एच हटा दिया अब ये एच हटाया तो क्या बनेगा बेटू बताओ एच, दीदी बात करें एन हमारे पास यहाँ पे क्या है गुड़िया आर जोड़ा तो आपने आर आ जाएगा और यहाँ भी क्या था बताओ आर था भी नहीं था और ए आर जोड़ना तो ए आर जोड़ दो गुड़िया बात करें अभी भी। अब इसको दीदी बताओ दो कार्बन दो हाइड्रोजन को दो कार्बन से रिप्लेस कर दिया ये है आपका टू डिग्री अमीन, क्या दीदी बात करें टू डिग्री या बेटा इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी अमीन या तो टू डिग्री या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी अमीन ठीक है। अभी गुड़िया बात करें अपन को और चेंज नहीं पड़ा अपन को अपन टर्शियरी अमीन बनाना था तो गुड़िया क्या करें एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करो जो ये हाइड्रोजन था, पहली बार में अपने किसको हटाया था इसको हटाया, दूसरी बार में किसको हटाया इसको हटाया और तीसरी बार में ये जो हाइड्रोजन बचा इसको भी हटा दो, तो हाइड्रोजन को हटा दी दीदी बात को सीखा हमने क्या जोड़ दिया आर या बी टू बात करें ए आर जोड़ दिया एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दिया ठीक है वैनी जोड़ दी, तो गुड़िया बात करें जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा आर एन आर और आर ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा और ये लोन पेयर तो वैसे ही का वैसा रहेगा हर जगह ठीक है, उसको लिख नहीं रहे क्योंकि अब आपको पहले का स्ट्रक्चर ही बता दिया, ये गुड़िया बात करें कह रहा था आपका क्या बेटू बात कर टर्शियरी या गुड़िया बोलते हैं थ्री डिग्री अमीन, आ रहा है नहीं आ रहा, ये कंडीशन होता है। तो आपसे क्या बोला बेटू बात कर हमारे पास ये था क्या अमोनिया, क्या था गुड़िया बताओ
अमोनिया से गुड़िया बात करें, एच हटाते जाओ, आर जोड़ते जाओ, गुड़िया बात करें, जितने आर आते जाएंगे उतने डिग्री का लगेगा। एक आ रहा है, वन डिग्री एम एन टू आ रहा है, टू डिग्री एम एन थ्री आ रहा है, थ्री डिग्री अमीन, समझ पा रहे हैं। आपसे क्या बोले बेटू बात करें, कार्बल अमीन रिएक्शन की बात करें गुड़िया, ये केवल कौन देगा बेटा, ओनली गिव्स बाय या ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन चाहे दीदी एलिफेटिक हो या क्या हो गुड़िया बात करें, एरोमेटिक, समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करें गुड़िया, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि होता क्या है यहाँ पे दीदी बात करें, ये अपन बोल सकते हैं टेस्ट है। क्या बेटा बात करें, इसी को अपन बोलो कार्बन अमीन को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते दोस्त, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ऐसे को अपन दीदी बोलते हैं वन डिग्री अमीन टेस्ट, प्राइमरी अमीन टेस्ट। क्या बोलते गुरु बताओ, प्राइमरी टेस्ट, ठीक है, प्राइमरी अमीन टेस्ट। तो दो डिग्री बात करें, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री नहीं देता क्या, ना ना फिर सेकंड डिग्री देगा ना ही थ्री डिग्री देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे गुरु बात करें, हमारे पास आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटा बात करें, अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर अपन गुड़िया बात करें, यहाँ पे कोई भी एमीन आप लेते हो, जैसे मैंने गुड़िया बात करें आर लिया, आर के साथ गुरु क्या लगा दिया बेटा बात करें, एन एच टू लिया, समझ पा रहे, ठीक है। या फिर एक पॉइंट जनरली लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं, कोई भी प्राइमरी आप एमीन लो, कोई भी प्राइमरी एमीन लिया आपने, वन डिग्री एमीन बोलते हैं इसको, और इसके साथ गुरु रिएक्शन कराना बेटा किसको, इसके साथ रिएक्शन कराओ दीदी बात करें आप, जी किसको रिएक्शन कराओ गुरु बात करें, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को, सी एच सी एल थ्री को क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, याद है गुड़िया क्लोरोफॉर्म के लिए तो अपन कैसे करते थे पहले गुड़िया बात कर याद है, इसका गुड़िया बात कर सर्जरी में यूज किया जाता था, आपको गुड़िया बात कर एनेस्थीसिया के लिए, समझ पा रहे, मतलब आपकी बॉडी को सूनने करने के लिए, तो एनेस्थीसिया है दीदी बात करिए, क्लोरोफॉर्म। अब गुड़िया बात कर आजकल इसका यूज नहीं करते, कई बार मूवी में तुम्हें देखा होगा क्लोरोफॉर्म सुखाते हुए, गुड़िया बात, और इसके साथ अपन लेते थे बेस, बेस का मतलब गुड़िया बात को उसके पास क्या होना चाहिए, ओ एच नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है, मतलब चाहे वो एच नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है, मतलब चाहे वो NH हो चाहे KOH हो, जैसे दीदी बात करें, कोई भी हो, हस्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का, पर जनरली आपको ये बुक में मिल जाता है, इसलिए मैंने अपन को ये लिखा है, ठीक है। अगर दोस्त इनके साथ कभी रिएक्शन कराओ गुरु बात, तो रिएक्शन ये करता है दोस्त, इसके साथ ये करेगा, ठीक है, ये तो केवल गुरु बात कर रहे हैं, कैटल्स की तरह काम होता है, ठीक है, इसका यूज होता है। अब गुरु बात कर रियल में क्या क्लोरोफॉर्म एक्शन करता है, ना क्लोरोफॉर्म नहीं करता है, काम करता है गुरु, कौन बात कर रहे, कौन बेटा, सीसीएल2, इसको अपन बोलते बे
क्या था ये, एक बेस था। और बेस गुरु बात कर किसका सोर्स होता है आपको पता है बहुत अच्छे से दोस्त, हमें तो ओ एच चाहिए। क्या चाहिए गुरु बात करें, ओ एच नेगेटिव चाहिए, ओ एच का कोई भी सोर्स ले दो आप। तो कंडीशन दीदी बात कर प्राइमरी से क्या बन जाएगा, आई शो साइनाइड, क्या बनेगा आई शो साइनाइड, आई शो साइनाइड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आई शो साइनाइड दीदी बात करें कैसा होता है, अनप्लीजेंट स्मेल का, कैसा होता है बताओ बेटू बात करें, या बोल सकते हैं फॉल्स स्मेल, मतलब दुर्गंध दीदी बात कर इसकी आती है, ठीक है। बस इतना सा गुड़िया रिएक्शन होती है प्राइमरी आई मीन लेना है दीदी बात करें, चाहे गुड़िया बात करें वो कैसा गुड़िया बात करे एरोमेटिक हो, और चाहे बिटू बात करे कैसा वो एलिफेटिक हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसके साथ गुड़िया बात करें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है क्यूएच की प्रेजेंस में, तो गुड़िया बात करें आइसोशाइन मिल जाएगा। रियल में क्लोरोफॉर्म क्यूएच की दीदी बात करें पैदा करते हैं किसको, डाइक्लोरोकार्बिन को, किसको रिएक्शन गुड़िया बात करें डाइक्लोरोकार्बिन को, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब कंडीशन की बात करें कोई पूछे बेटू बात करें कि इस कार्बन एमिन रिएक्शन में दीदी बात करें रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी होती है, ये अपन उन पॉइंट की बात करें बेटा बात करें जहां पे नीट और आईआईटी में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ के लिए गुड़िया बात करें कि इतना सा काफी है, प्राइमरी एमिन कोई भी प्राइमरी एमिन की दीदी बात करें रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करें, बेस की मीडियम प्रेजेंस में दीदी बात करें आइसोशाइनाइड बन जाएगा। इतना सा गुड़िया बात करें रिएक्शन लिख के आ जाओ, ये लिख दो व्हेन प्राइमरी एमिन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेसिक मीडियम टू फॉर्म आइसोशाइनाइड, और दीदी रिएक्शन कंप्लीट हो, आपके पांच नंबर कंप्लीट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अगर दोस्त यहाँ पे अपन बोले कोई आपसे पूछे बताओ रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी है दोस्त, तो यह रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो गुरु बताओ कौन है बेटा, वो है हमारे पास CCl2, कौन है बताओ बुढ़िया, CCl2, जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2, क्या बोलते हैं इसको अपन बुढ़िया बात करें, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन,
या दीदी बात के सीधा अपन बोल सकते नॉर्मल कार्बिन, कई बार लोग कार्बिन बोल देते हैं, कई बार एग्जाम में कार्बिन के नाम से आता है, तो 2 किलो इंस्टॉल ने पूरा नाम दिया डाइक्लोरो कार्बिन, या बुढ़े बात का अपन इसको क्या बोल सकते बेटू कार्बिन, ठीक है। ये रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ये दीदी, अपने आप में एक क्वेश्चन जो हर बार आता है, इस बार क्वेश्चन दीदी बात कर अभी आया था ना लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर दीदी तो कंडीशन की बात कर कोई पूछे बताओ ये किसकी तरह काम करेगा डाइक्लोरोकार्बन। अपने क्या बोला था गुरु, कोई भी कंपाउंड बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शन करता ही क्यों है, अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। जरा देखो बुरी बात कर डाइक्लोरोकार्बिन को, अब यहाँ पे जरा इसको अगर अपन देखें बेटू, ठीक, यहाँ पे कार्बन को देखो, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है 4, वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्त 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसने बॉन्ड केवल कितने बनाए गुरु 2 क्लोरीन के साथ, समझ पा रहे हैं यार। अगर अभी तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा बात करें कार्बन के, तो कितने हो रहे हैं 1 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 व्हाट 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बेटू बात करें 6 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें अगर रखता है ये, कितने इलेक्ट्रॉन रखता है दोस्त 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मुझे बात करी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपसे क्या बोला था गुरु, जिसके पास ऑक्टेट से कम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो, मुझे बात करें तो हमारे पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको अपने बेटा बोला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्या बोला था, मतलब डाइक्लोरोकार्बन दीदी कैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पक्का डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड दीदी किसकी तरह काम करेगा ऐसा बेटू बात करें लुईस एसिड, हां कि नहीं। और बेटा बात करें केमिस्ट्री में जो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो गुरु इसको देखिए बेटा किसकी तरह काम करेगा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को गुरु अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनको अपन हिंदी में बोलते गुरु बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसने ही, और बेटा बात करें इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या बोल सकते हैं, इनको ऑक्टेट पूरा करना है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है गुड़िया, तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन फाइल स्पीसीज। केमिस्ट्री में दीदी बात करें जो भी अटैकिंग स्पीसीज हो, अगर वो उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो वहां जाएगा जहां उसको गुरु कहा दिखेंगे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, समझ पर कोई लोन पेयर दिख जाए, किसी के ऊपर नेगेटिव दिख जाए, पॉजिटिव पास थोड़ी ना जाएगा, पॉजिटिव पास तो इलेक्ट्रॉन खुद नहीं होते हैं, तो बुढ़े बात करें इसके पास बेचारे के पास क्या इलेक्ट्रॉन कमी है कि नहीं, इसलिए अपन ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जनरली हम ये लिखते हैं कि भैया जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो बुढ़े अपन क्या बोलते हैं ई प्लस का मतलब क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन बुढ़े बात करें यहाँ पे आता है जो जो पूछेगा वो बता रहे आपको रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है हमारे पास कार्बन लिमिट रिएक्शन में, मुझे 12th नहीं पढ़ाना आपको, उन्हें गुड़िया बात करके इतना है कि इतनी सी रिएक्शन बता दे और आपका काम हो गया। यहाँ तो गुड़िया बात करें 12th के आगे बढ़ने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि भैया यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन बोलो या कार्बिन बोलो ये कैसी होती है 6 इलेक्ट्रॉन रखता है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, किसकी तरह बिहेव करेगा ऐसा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और क्या है ये, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या दोस्त इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, आ रहा नहीं आ रहा, रिएक्टिंग स्पीसीज है। अब देखो वो सबसे पहले दिखाते हैं कोई भी हमारे पास हो, ये प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन का मतलब बुरी बात करें कौन सी एमीन, जर देखे बेटू बात करें ये कोई भी हो सकती है, चाहे तो बुरे बोले अपन क्या एलिफेटिक या बोल सकते क्या दोस्त, मतलब दीदी इसकी जगह तुम ले सकते थे RNH2 ले सकते थे क्या बुढ़िया, कोई भी दीदी बात करें एल्कलाइन मतलब मेथिल एथर प्रॉपर कुछ भी, या दीदी बात करें सीधा बेटू ले सकते थे बेंजीन मतलब एनिलीन, क्या ले सकते थे, तो ये एरोमेटिक हो गया, क्या होगा दोस्त बताओ, कोई भी प्राइमरी अमीन ले सकते हो, अभी भी देखो क्या प्राइमरी अमीन है NH3 का केवल एक ही हाइड्रोजन हटा नहीं हटा, तो प्राइमरी बताओ NH3 का केवल एक ही हाइड्रोजन हटा नहीं हटा, क्योंकि अगर NH3 होता तो अमोनिया था और एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन गया वो प्राइमरी एमिन 1 डिग्री एमिन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त। अगर इसकी दीदी अपन ने लिया हमारे पास क्या लिया CH3 कोई भी यूरिया बात कर ले लिया अपन ने, ठीक है चलो दीदी बात करिए अपन आर लेते हैं, आर जी तुम्हारा जो दिल करे वो रख लेना दीदी, आर जी का आपका दिल करे CH3 लगा देना, C2H5 लगा देना, समझ पा रहे, आपका दिल करे मुझे दीदी बेंजीन लगाना है मतलब फेनिल ग्रुप फेनिल लगा देना, कर सकते कि नहीं कर सकते गुरु, ये आपके दिल पे डिपेंड करता है बेटा आप क्या लगाना चाह रहे हैं, ठीक है आपका जो दिल करे वो लगा लेना, ठीक है एरोमेटिक लगाना तो एरोमेटिक, अभी मैंने इसके किसके लिए लिखा है बुढ़िया आर लिखा है तो आप एलिफेटिक ही मान के चलो, जब भी बुढ़िया बात करें RNH2 की रिएक्शन गुरु किसके साथ करते बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं CH3 किसकी प्रेजेंस में गुरु बात करें KOH जैसे बेस की प्रेजेंस में, तो गुरु क्या बनेगा बेटा बनेगा यहाँ पे एल्केल आइसोसाइड, मतलब गुरु बात कर आर तो आर ही रहेगा आर चेंज नहीं होगा, और साथ में बुढ़िया आ जाएगा यहाँ पे क्या बेटू बात करें आर एन
दीदी बात करें, हाँ कि ना, डबल बॉन्ड और साथ में गुड़े कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते बेटा बात कर, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते बोलो, कई बार गुड़े क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे जिससे बंद दिख रहा है ये लोन पर, ये तो समझ में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ए और बी दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो इसका मतलब है ए एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपने इसको दीदी हमेशा देखा होगा एनएच थ्री के साथ बनता है ये NH3, बुढ़े बताओ कैसा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है, और बेटा बात करें BH3, बुढ़े बात करें कैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, पार्ट 8 है पर एक लोन पे फ्री है, तो ये गोलू कुछ समय के लिए बेटा इसको लोन पे दे देता है। ये बॉन्ड तभी बनता है जब गोलू बात करें दो एटम के बीच में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बेटा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो होती है, तो तुम जानते हो कि ए बी के बीच में अगर बॉन्ड बना है ए वाला, तो इसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक ए देता है और दूसरा बी देगा, लेकिन कभी ये बॉन्ड बने ना दोस्तों, इसका मतलब समझ जा रहा गुड़िया कि जिसकी तरफ पेयर होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और जिसकी तरफ बेटा बात का हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर समझ पा ले रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब गुड़िया नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बन ले रहा है, तो बताओ गुड़िया बात का नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जो देगा उसके ऊपर प्लस आएगा और जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा माइनस। तो कई बार मैं आपको ये बताना चाह रहा बेटू कि आपको वो ऐसे नहीं लिखता है, क्या लिखता है बताओ बेटू बात कर, कई बार वो इस तरीके से नहीं लिखता है, तो किस तरीके से लिख देता है, ऐसे लिख देता है आर वही रहेगा, बुढ़े बात कर एल्किल ग्रुप था ना मेथिल एथिल, जो भी आपने लगाया, अगर मेथिल लगाया तो मेथिल चलता रहेगा और एथिल लगाया तो एथिल चलता रहेगा, और दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बुढ़े बात कर, और यहाँ पे बदला दो बेटू बात कर ट्रिपल बॉन्ड बना दो, समझ पा रही नहीं आ रहा दीदी बात कर, आपको हेड बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है सी लगा दो, और कंडीशन बुढ़े बात किसके ऊपर क्या लगा देती बेटू, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लग जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से अगर आप वैसे देखना चाहो तो वैसे देख रहे हो बुरी बात कर, नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस लगे इसका मतलब ये कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, और कार्बन किसने बॉन्ड बनाता है चार बॉन्ड, तो दिख भी रहे 1 2 3 4, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया वो बन गया नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार, एक नेगेटिव लगा मतलब एक पहले से किसने मिल चुका है, तो पांच हो गया, पांच होते हुए आठ करने के लिए तीन बॉन्ड तो बनाएगा, तो नाइट्रोजन तो बन चुका, तो कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है नाइट्रोजन, और बुरी बात करें नाइट्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या है कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में पांच होते हैं उसके ऊपर एक प्लस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है दीदी बात, तो चार बचे तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो चार के चार बॉन्ड बना रहा है, समझ पा रहे, तो कई बार बुढ़िया बात करें बुक्स में कैसा लिखता है बेटू या पेपर में कैसा लिखता है, ऐसा लिखता है, और कई बार बुढ़िया इस तरीके से लिखता है, समझ में आ रहा है, इसको बोलते बेटू बात करके एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बना दोस्त ये आइसोसाइनाइड, समझ में आ रहा है, ये बना दीदी बात का एल्किल, यही हमारा प्रोडक्ट है, इसी की स्मेल कैसे होती है बताओ बेटू बात, आइसोसाइनाइड बना कि नहीं बना दोस्त, हमें ये तो बनाना था, आइसोसाइनाइड दीदी बनेगा कब, जब आपने बेटा बात करें एमिन कौन सा लिया होगा, बात करें कौन सा लिया होगा प्राइमरी एमिन, कौन सा एमिन लिया आपने, 1 डिग्री एमिन लिया कि नहीं दोस्त, इसको बोल सकते थे प्राइमरी एमिन, ये तभी बनेगा जब आपने प्राइमरी एमिन लिया होगा, सेकेंडरी एमिन टेस्ट नहीं देगा और टर्शियरी एमिन भी नहीं देगा, इसका मतलब बुरी बात करें यहाँ पे आप बोलोगे सर और कुछ नहीं निकलेगा, और यदि बाय प्रोडक्ट निकलेंगे आपको क्या पता है रिएक्शन में कभी बाय प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस अपन को करना ही नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता, पूछा जाएगा रिएक्शन कौन करता है, पूछा जाएगा रिएक्शन किससे करता है, पूछा जाएगा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करता है, और पूछा जाएगा बेटा बात करें प्रोडक्ट क्या बनता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनता है, और दीदी बात करें हमारे पास किसके साथ रिएक्शन होती है, यार दोस्त नहीं यार ये दो चीजें पूछी जाती है, इन दोनों को ही जरूर बात करें एक साथ लिखने का मतलब बेटा बात करें डाइक्लोरोकार्बन, क्या है ये इन दोनों के फॉर्म में क्या छुपा है डाइक्लोरोकार्बन, आप अगर सीधी रिएक्शन देखो तो बुढ़े बात करें पता है रिएक्शन आपको ऐसे दिखेगी, लेकिन दीदी बात कर रियल में ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं डाइक्लोरोकार्बन, और बेटा फिर ये अटैक करते हैं किसके ऊपर इसके ऊपर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, बताओ बेटा बात कर जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जाने बेटा बात कर किसी को देने जाता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लेने जाएगा, समझ पा रहे, जैसे मुझे पढ़ाना है तो मैं आपके घर पे गया पढ़ाने कि आपको पढ़ना था तो आप मेरे पास आए, ये मेरी बात नहीं है ये बात हर किसी की है, आपको बेटा डॉक्टर बनना है तो दीदी मेडिकल कॉलेज आपके घर पे आएगा पढ़ाने कि आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्टर को मतलब पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर पेशेंट के घर पे जाता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, कोई पेशेंट बुला रहा है डॉक्टर साहब पता है बहुत तबीयत खराब है आज ही जा रहे घर पे, तो अपन क्या बोलेंगे हाँ हाँ आते हैं बताओ गली नंबर घर नंबर कौन सा है बताओ आए आते हैं क्या नहीं आते, अपन क्या बोलते हैं भाई क्लिनिक इधर है इधर आ जाओ है कि नहीं, तो कंडीशन जिसकी जरूरत है गुड़िया उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन गुड़िया बात करें क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं ये अटैक करेगा, ठीक, अब सबसे पहले गुड़िया अपन यहाँ पे देखो जरा साथ में क्या बनेगा, साथ में गुड़िया बताओ यहाँ पे 3 क्लोरीन है कि नहीं, अगर आपको बाई प्रोडक्ट नहीं करा तो ही बता, तो यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या ले लो 3KOH कर दो, क्या कर दो बैलेंस इक्वेशन के लिए, तो साथ में यदि क्या निकल जाएगा मैं उधर तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे बाई प्रोडक्ट लिखना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे बस आपको ये बताना है कि निकल क्या जाता है, आप 3KCl क्या निकल गया बताओ गुड़िया बात करें 3
KCL निकल गया, अरे निकला नहीं निकला, निकला तो उसके नहीं निकला, बुढ़िया बात करिए निकल गया, और साथ में बेटा बात करे क्या निकला, गोलू बात करे, आपने देखा R R बैलेंस हो गया, एक नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, एक कार्बन बैलेंस हो गया, तो बचा क्या गोलू बात करे, एक नाइट्रोजन तो यूज हो गया, कार्बन यूज हो गया, आर यूज हो गया, तो बचे क्या, दो हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का और दीदी तीन हाइड्रोजन के, मतलब छह हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, दीदी क्या निकल जाएगा बताओ, थ्री एच टू, हाँ की ना, आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, तो निकला गोलू क्या क्या बेटा बात करें, तीन तो गोलू बात करें वाटर निकल गया, थ्री केसीएल निकल गया, है कि नहीं, ये दीदी बात करें क्या बेटा बात करें, बाई प्रोडक्ट, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है, हो जाएगी नहीं हो पाएगा, तो गुड़े बात करें ये कंडीशन, बस आप जो प्रश्न में लिखते हो तो इतनी से लिखते हो, बस यहाँ पे क्या कर देना, मेथिल बेटा बात कर अमीन रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, केओएच के साथ, गुड़े बात प्रेजेंस में क्या बन जाएगा बताओ, मेथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा, और दीदी बात कर तीन केसीएल और तीन एच टू निकल जाएंगे, होगी ट्वेल्थ की रिएक्शन कम्प्लीट, समझ पा रहे, पर अब दीदी बात करें अपन क्या करते हैं, हमें पढ़ना गुड़े बात करें नीट के और आईटी के लेवल का, तो गुड़े मतलब कहां पे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो गुड़े बात करें कौन देगा, वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा, या पूछेगा गुरु पता है तो क्या करेगा, इतना रिएक्शन लिख देगा और बेटा आगे मार दे गुरु बात करें अपना क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या बनेगा, और चार ऑप्शन लिखे होंगे, तो वहां गुरु बात करें जिसमें आयुष शैनिक बन रहा हो उसी को उठा लो, आगे वाला आर चेंज नहीं होगा, मैथिल तो मैथिल और एथिल तो एथिल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आया भाई ठीक है, अब कंडीशन की बात करें बेटू हमारे पास, तो अपन देखते दीदी बात करें मैग्नीशियम, इसके पहले गुरु एक और क्वेश्चन उठा के देते हैं, समझ पा रहे, अगर आपसे पूछे तो मैग्नीशियम आपको बताते हैं कैसे बनता है, अगर आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें कि आर की जगह पे हम क्या ले, बेंजीन ले रहे हैं, क्या ले रहे दोस्त बताओ, बेंजीन, ये बेंजीन थी आपने, और बेंजीन के ऊपर दीदी क्या लगा दिया, एनएच, क्या था ये, एनिलीन, क्या था दोस्त, एनिलीन, हाँ कि ना, इसकी रिएक्शन ग्रुप बात करें किसके साथ कराए बेटू, एग्जैक्ट, इनको एक साथ लिख देते हैं सी एच CL3 प्लस, गुरु बात करें क्या आ गया बताओ, KOH, गुरु बात करें क्या बनेगा, क्या बनाओगे बताओ गुड़िया, एग्जैक्ट बेंजीन आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा गुड़िया, बेंजीन आइसोसाइनाइड, हाँ कि ना, ये बना दो क्वेश्चन, ये लगा दो, या फिर अगर ये नहीं लगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या करो प्लस लगाओ, अरे नहीं यार ये क्या बन गया, बेंजीन साथ में गुरु क्या निकल गया होगा बेटा बात कर, माइनस थ्री केसीएल और माइनस थ्री एच टू ओ, अब जब उस तरफ लिखते गुरु तो अपन क्या करते हैं जोड़ देते हैं, समझ पाए, प्लस करके लिख देते हैं, लिखा हुआ आपने ठीक है ना, हर कोई दीदी बात कर पढ़ता, बड़ी फेमस रिएक्शन है गुरु बात करें अमीन की, ठीक है, तो बताओ ये कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं गुरु बात कर, पता है क्या मैंने यहाँ पे क्या दिया बेटा आपको, आर टू एन एच, इसके साथ गुरु रिएक्शन कराइए आपने बेटा, CHCl3 प्लस गुरु बात करें क्या, KOH, हाँ कि ना, या गुरु बात किसको हमेशा किसके ऊपर लिख दिया करो, एरो के ऊपर, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, KOH के साथ, समझ पा रहे, तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है, थायराइड गुरु बात करें हमारे पास क्या दे रखा बेटा बात करें आपको, R3N, ठीक है, आर की मतलब क्या लेना, तीन तीन मेथिल, ठीक है, यहाँ दो दो मेथिल, गुरु बात करें किसके साथ रिएक्शन कराई बताओ बेटू बात करें, CHCl3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराई गुड़िया बात करें, KOH, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बताओ गुड़िया, हाँ बताओ दोस्त, इसमें क्या बनाई होगा जो आपने, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, चलो बताओ दीदी, ये कह नहीं बताओ कुछ बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो गुड़िया बात करें पता ये क्या था, आपने देखा दोस्त, एग्जैक्ट बोलो बात करें, ये था बेटा बात करें सेकेंडरी, अभी याद है गुड़िया, जरा देखो जब दो बेटू बात करें, एच रिप्लेस हो जाए दो आर से, मतलब वो क्या बन गया, वो बन गया मुझे टू डिग्री सेकेंडरी, आ रहा तो उसमें नहीं आ रहा, ये सेकेंडरी है, और जब बेटा तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तीन आर से, तो क्या बोला आपने गुड़िया, थ्री डिग्री, या इसको हम बोलते हैं बेटू बात करें टर्शियरी अमीन, क्या बोलते हैं, यहाँ पे गुड़िया अपन क्या बोलेंगे, नो नो रिएक्शन, हाँ कि ना, या नो प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, अगर कभी इनकी रिएक्शन करवाई जाए और बेटा बोले गुरु बताओ कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो नो प्रोडक्ट फॉर्म, कोई दीदी प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन होती नहीं, तो नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, ना ही गुड़िया बात कर रिएक्शन होगी तो फिर ना ही प्रोडक्ट बनेगा, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यहाँ दीदी बात की चाहे वो आ रही मेथिल ले ले, चाहे एथिल ले ले, चाहे गुड़िया बात करें बेंजीन ले ले, कुछ भी ले ले, मतलब आपको ये याद रखना बेटू बात करें सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, कभी गुड़िया प्राइमरी एमीन, प्राइम, हाँ दीदी बात करें कार्बोनिल रिएक्शन नहीं देती, आयुष शाइनी टेस्ट नहीं देते,
हमें ऐसा केवल केवल कौन देगा, प्राइमरी में देगा, प्राइमरी चाहे वो एल्किल हो चाहे कैसा हो, मैं बात कर एरोमेटिक हो, अरे दोस्त नहीं आ रहा है, ठीक है। रिएक्टिव स्पीशीज कौन सी होती है यहां पे, बोलो CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन लेकिन लिखता वो हर बार क्या थी बताओ, क्लोरोफॉर्म COH, क्लोरोफॉर्म COH, अरे नहीं आ रहा। तो इसको ऊपर अपने मैग्नेटिज्म में देखते, किसमें देखते हो, मैग्नेटिज्म में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब पूरे बात करें मैकेनिज्म की, अपन बात करें तो इसको उड़े, ये तुम्हारे पास इसको नोट करना है क्या, इसको नोट करना, तो नोट करो फटाफट, नहीं तो फिर दीदी अपन हटाए, ठीक है, चलो पहले नोट करो फटाफट, फिर अपन आगे मैकेनिज्म की बात करते हैं। पूरी बात करें क्या बात करना चाह रहे बेटा, मैकेनिज्म की, इसकी बात करना चाह रहे, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। इसके साथ यदि रिएक्शन कर सकती करते अपन, बताओ बात करें KOH की, इसी रिएक्शन करते हैं KOH की। दीदी KOH को देखो आप, KOH अल्टीमेटली है क्या, बेस ही तो है, और बेस दीदी आपको क्या देता है, बेटा बात करें OH नेगेटिव, याद है, तो ये आपको क्या दे रहा है OH नेगेटिव, और साथ दीदी बताओ क्या इसमें टूटा हुआ K प्लस में, हाँ कि ना। OH नेगेटिव गुड़े बात कर पहला अटैकिंग स्पीशीज होता है, समझ पा रहे, जो गुड़े बात कर अटैक करता है, जो गुड़े बात कर बता। अब सोचो गुड़े अगर K प्लस निकल जाएगा OH नेगेटिव से, तो OH नेगेटिव को नेगेटिव अनस्टेबल हो गया चार्ज की वजह से, हमने क्या बोला था गुड़े बात करें केमिस्ट्री में ना तो कोई कंपाउंड दीदी बात नेगेटिव चार्ज रख के स्टेबल है और ना ही पॉजिटिव चार्ज रख के, हर कोई चाहता है न्यूट्रल हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, तो कंडीशन गुड़े बात करें किसको चाहेगा प्लस को। अब गुड़े सोचो प्लस तुम इस कंपाउंड से निकालोगे तो किसको, क्लोरीन दीदी अगर निकलेगा कभी कार्बन से तो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो गुड़े बात का निकल कौन सकता है केवल हाइड्रोजन, कंडीशन क्या है दीदी बात का सोचो और कैसे निकलता है, सोचो गुड़े कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरीन मोर नेगेटिव है कार्बन के कंपेयर में, तो वो क्या करेगा गुड़े बात करें, क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो गुड़े बात करें मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई ही नहीं आएगी, तो फिर वो कार्बन की दीदी कमी वो पूरी जो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें क्लोरीन ने खींचे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जो या जो एटम दीदी बात करें मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या बोलते गुरु इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें दुनिया में दो टाइप के बॉन्ड है, एक तो बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के बीच में, दूसरा बॉन्ड गुड़े कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में अगर बोलो हम देखें तो क्लोरीन मोर नेगेटिव पड़ रहा है, तो बेटा बात करें वो क्या करता है, बोलो कार्बन क्लोरीन को अभी तक अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा जैसे गुड़े बात करें बताओ इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, मतलब कंडीशन ऐसे देखने गुड़े बात करें कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन दीदी कौन गेन करता है क्लोरीन, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो फिर वो दीदी इलेक्ट्रॉन की कमी दीदी जो कार्बन करे तो करे कहां से हाइड्रोजन, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा दोस्तों हमारे पास कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दीदी कहां खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, समझ में आ रही है, और पूरा का पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों को ले लेता है। अब इस बॉन्ड में दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, एक तो खुद कार्बन का और एक दोनों हाइड्रोजन का, अगर इसने पूरे बॉन्ड को दीदी लिया तो बताओ इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा, एक का फायदा होगा, इसलिए एक नेगेटिव लगेगा, सोच पा रहे क्योंकि एक तो उसका खुद का ही था, और गुड़े बात का जो हाइड्रोजन है बेचारा वो H प्लस के फॉर्म में किसके साथ निकल जाएगा गुड़े बात कर, हाँ कि नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, तो ये गुड़े बताओ किसके साथ चला जाएगा दोस्त, देखा ना आपको ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें छोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, छोड़ा नहीं छोड़ा, इस इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात कर छोड़ करके वो किसके साथ चला जाता है OH नेगेटिव के पास, और OH नेगेटिव बोल देता है टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहे हैं ना तुम किसके फॉर्म में आ रहे हो बताओ, अगर सोचो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का तो कार्बन के ऊपर अब क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर सोचो पार्शियली नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, सोच पा रहे बुढ़िया नेगेटिव इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, तो बुढ़िया सोचो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हो गया और दीदी OH क्या नेगेटिव, OH कौन सा नेगेटिव है बुढ़िया बात करें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है जिसने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन ले रखा है, सोच पा रहे हो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट याद है पहले दीदी एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्लस वन चार्ज हमेशा शो करता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो गुड़े बात करें OH के पास अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसका छुपा है दीदी बात करें पोटेशियम का, तो OH खुद कह रहा है कि टेंशन बिल्कुल मत लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बस आ जाओ, समझ में आ रही है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था मैंने पहले से कर रखी है, तो कंडीशन गुड़े बात करें बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा वाटर, क्या निकल गया दोस्त, क्या निकल गया दोस्त वाटर माइनस H2O निकला कि निकला, तो बोलो क्या निकल गया बेटा बात करें यहाँ से माइनस H2O मतलब डिहाइड्रेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब कंडीशन के बाद गुड़े बना क्या हमारे पास, देखो दोस्त क्या बना हमारे पास, जो बना दीदी वो ये है, क्या है हमारे पास बताओ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, हाँ कि ना, ये गुड़े किससे जुड़े हुए बताओ कार्बन
कार्बन जुड़ा है कि जुड़ा है, किससे जुड़े बेटा बात कर बोलोगे, कार्बन कार्बन, समझ पा रहे, मतलब तीनों क्लोरीन किससे जुड़े हुए, कार्बन से। अब यहाँ पे जो बोलू कार्बन कार्बन के ऊपर क्या बताओ, नेगेटिव है तो उसके लिए, और नेगेटिव का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक तो खुद का और एक दीदी हाइड्रोजन का, ठीक है। अभी गुड़िया बात करें कौन बचा है, पोटेशियम, पोटेशियम कह रहा है ऐसे कैसे हो गया, OH तो चला गया दीदी स्टेबल हो करके, मुझसे कह रहा था कि नहीं मैं भी अनस्टेबल रहूंगा तुम्हारे साथ, जब मैंने उसको बाद में देखा तो वो तो स्टेबल होकर चला गया, समझ पा रहे OH, अब मैं अनस्टेबल आ गया बेचारा प्लस लेकर के, दीदी इसने बोला कि अपन को भी स्टेबल होना है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या कंडीशन क्या है, सोचो कार्बन पे अगर गुड़े नेगेटिव है तो कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोस्त, क्लोरीन, क्लोरीन है। अगर अपने क्या बोला था, याद है गुड़िया बात करें, नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। गुड़िया बात करें नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा दीदी बात करें, पता है कार्बन पे नेगेटिव अच्छा लगेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन दीदी बात करें ज्यादा पावरफुल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंडीशन की दीदी बात करें हमारे पास, देखो अगर अपन देखें तो यहाँ गुड़िया बात करें क्लोरीन क्या करेगा, माने ये क्लोरीन की बात करते हैं, इसमें दीदी दो बॉन्ड ठीक नहीं थे, मतलब इस बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन ठीक नहीं थे, एक तो गुड़िया क्लोरीन कार्बन का था, एक किसका था गुड़िया क्लोरीन का, सोचो गुड़िया बात करें एक इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ था कार्बन को हाइड्रोजन का लिया था, तो दीदी अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर गुड़िया मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाए, क्लोरीन चला जाए, तो क्लोरीन दीदी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, समझ में आ रहा है, और कार्बन को दीदी एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का दीदी अल्टीमेटली लॉस हो गया, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, अरे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ था इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन दीदी बात किससे कौन ले गया, क्लोरीन ले गया, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे गुड़िया बात करें कार्बन ने छीना हाइड्रोजन का, क्लोरीन छीन लिया कार्बन का, अब तो कितना फायदा हुआ कार्बन को, मैंने तुमसे दीदी बात कर 10 रुपए छीने, मेरे 10 रुपए किसी और ने छीन लिए, मुझे कितने का फायदा हुआ, जीरो का, सोच पा रहे दोस्त, तो अल्टीमेटली ऊपर जो मेरे ऊपर नेगेटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो बताओ बुरी बात करें यहाँ से कौन निकल जाएगा, याद आ रहा है यहाँ से निकल जाएगा बेटू बात करें आपका पोटेशियम और क्लोराइड। क्वेश्चन समझ में आ रहा, कुछ साथ में क्या निकाल दी थी बात करें अपने, माइनस केशियल, दो चीजें निकल गई, एक तो बेटा बात करें बोलू H2 और एक क्या निकल गया केशियल, दीदी आपने यही तो किया था, क्या बताया था दोस्तों आपको, जब भी गुड़िया बात करें आपको ये रिएक्शंस पढ़नी है, कौन सी रिएक्शन, एमीन वाली रिएक्शन, तब भी गुड़िया बात करें वो क्या निकालना है केशियल, और साथ में क्या निकालना है गुरु बात करें H2O, आ रहा नहीं आता, केशियल निकलेगा और H2O, आपको दीदी बात कर तीनों केशियल देखने हैं, तीनों H2O, तो भी गुड़िया आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुड़िया बताओ ये चला गया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, ये जो हमारे पास था ये दीदी बताओ क्या बना, आ रहा नहीं आ रहा था, सोच पा रहा हूँ नहीं सोच पा रहा हूँ, या फिर इधर से मत देखो गुड़िया बात की, जो पोटेशियम इसको यहाँ लिख देते अपन, सोच पा रहे बोलू, तो ये पोटेशियम क्लोराइड सब निकल जाएगा, मतलब अब ये बेटा बात करें किसमें बदल गया, दिख रहा है आपको बोलू CCl2 किसमें बदल गया दोस्त, सी गुरु बात करें हाँ कि ना Cl2 एक क्लोरीन, गुड़िया बात करो ये दूसरा क्लोरीन आया दोस्त की नहीं आया, और गुड़िया बात कर एक हमारे पास लोन पे रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो गुड़िया नेगेटिव था वो खत्म हो गया, मतलब क्या बच चुका पता बेटू बात करें, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं गुड़िया डाइक्लोरोकार्बन, मतलब अपन चाहे तो उसको ऐसा सीधा लिख सकते गुड़िया, अब ऐसा नहीं लिखो सीधा लिख दो CCl2 आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन गुड़िया बात करें डाई क्लोरो कार्बन, डाई क्लोरो कार्बन की बात करें तो दीदी कैसा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, वो ही बता रहे मुझे, इसके बाद बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टू, एक बॉन्ड के दो, एक बॉन्ड के दो चार, और बेटा एक लोन पेयर, तो रूल कितने इलेक्ट्रॉन बचे गुड़िया बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यही बेटू बात करें रिएक्टिंग स्पीशीज कैसी बोलो बताओ, या ऐसी को बोल सकते हैं अटैकिंग स्पीसीज, जैसे दीदी कहना चाह रही हूँ अटैकिंग, और कुछ है दीदी रिएक्टिंग अटैकिंग स्पीसीज, हो पाएगा तो उसके नहीं हो पाएगा, तो बोलो कैसे बना बेटा बात करें डाइक्लोरोकार्बन, जो गुड़िया अपन बता रहे थे कि ये अटैकिंग स्पीसीज होता है वो वैसे बनता है, आ रहा तो उसके नहीं आ रहा है, मतलब गुड़िया बात करें क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्शन करेंगे, इसको बनाते बेटू बात करें डाइक्लोरोकार्बन को, मतलब दीदी बात करें पोटेशियम के साथ तो निकाल दो इसका एक Cl, और गुड़िया बात करें ऐसा भी याद नहीं रखा तो सीधा से याद रखो पोटेशियम के साथ दीदी बात, ये प्लस, और देखो कैसे याद रख सकते गुड़िया बात करें, इसमें प्लस माइनस कौन है, पोटेशियम प्लस है OH माइनस है, अब कार्बन और गुड़िया बात करें कार्बन के पास देखो एक निकालो गुड़िया बात करें क्या क्लोरीन, और एक निकालो हाइड्रोजन, क्लोरीन कैसा होता है नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव दीदी किसके साथ जाएगा, इसके प्लस के साथ जाएगा K के साथ, और इसका दीदी प्लस हमारे पास जो H प्लस है वो किसके साथ जाएगा, इसके OH नेगेटिव के साथ, तो दीदी बात कर निकालो वाटर और केशियल, और सीधे से दीदी बना दो क्या बेटा बात करें CCl2, आ रहा नहीं आ रहा, हो गया दीदी बात करें क्या होगा बेटू बात करिए मैग्नीशियम, दीदी बात करें अभी तो स्टार्ट हुई है कार हमारे पास क्या बन गया, तो बात करें डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। अब गुड़े बात किसको अटैक कराते बताओ गुरु, हमारे पास क्या था आर बेटा NH2 था कि नहीं था, क्या था दोस्तों हमारे पास RNH2,
इसके पास लोन पेयर होता है तो उसके नहीं होता है। ये क्या है दिख रहा है आपको, RNH2 मतलब प्राइमरी अमीन। इसके साथ भी रिएक्शन कौन करने वाला है बेटू बताओ, CCl2 CCl2 बताओ गुड़िया बात करें, इसके पास लोन पेयर तुम्हें है। लेकिन दीदी बात करें हमें हम जनरली क्या दिखता है जिसके पास लोन पेयर तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे इसके पास देखो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़िया, इसके पास 8 है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है गुरु, लेकिन फिर भी एक लोन पेयर फ्री है। इसके पास दीदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच ये है दीदी बात करें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये कि ये जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, तो दीदी कौन किसके पास जाएगा, समझ पा रहे हो। जबकि कुछ लोग जब पढ़ाते हैं ना गुड़िया तो बताए क्या बोल देते हैं, भैया ये ऐसा एरो घलेगा ऐसा, दीदी बात करें मतलब ये इसके पास जाएगा एरो, दीदी ऐसा ही लगेगा क्योंकि देगा ये। लेकिन गुड़िया बात करें जाएगा कौन बेटा, ये जाएगा मतलब गुड़िया बात करें क्लोरीन, गुड़िया बात करें जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा दीदी बात करें, प्राइमरी अमीन के ऊपर, काय के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन गुड़िया बात करें क्या हो जाएगी, अगर इसको आप देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखेगा आपको, ठीक है, आर एल्किल ग्रुप एन, ठीक है, ये गुड़िया बात करें एच, ये बी टू बात करें एच, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया बताओ गुड़िया बात करें CCl2। अरे क्लोरीन आया तो उसके नहीं आया, कार्बन आया कि नहीं आया, दो क्लोरीन लेकर के। और गुड़िया बात करें यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर दीदी अपना कौन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा। किसको दे देगा बताओ गुड़िया बात करें, कार्बन को। ये लोन पेयर दिया कि नहीं दिया, ये लोन पेयर ही तो था, ये किसका लोन पेयर था गुड़िया बताओ, नाइट्रोजन का, जिसने किसको दे रखा है, बॉन्ड बना कि नहीं बना, गुड़िया बात करें क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बताओ बेटू बात करें RNC आ गया, क्या आ गया RNC, और हमें ये तो बनाना है, क्या बनाना है बोलो बताओ, दिख रहा बेटा बात करें, दिख रहा आपको कहाँ था, RNC बनाना था। तो कंडीशन की बात करें अब बोलो बात कर, देखो कई बार बेटा बात कर दिखाया जाए तो मल्टी स्टेप में कर सकते हो गुड़िया, फिर से करना क्या आपको, अगेन बेटू बात करें कौन अटैक करेगा, OKOH मतलब गुड़िया बात करें क्या आएगा दोस्त, एक साथ फिर से गुड़िया बात करें कौन आएगा, KDD+ और OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बोलो फिर से क्या करेगा, याद है इस H को हटाएगा, जैसे सच को हटाएगा दीदी बात करें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, दिख रहा है गुड़िया बात करें, दिख रहा है आपको, यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या जाएगा, जैसे गुड़िया बात H+ जाएगा ये पूरे का पूरे दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन को, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें जो नाइट्रोजन गुड़िया किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ करेगा, तो गुड़िया कार्बन को इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मिलेंगे एक्स्ट्रा में, तो गुड़िया बात करें यहाँ से क्या निकलता है, Cl नेगेटिव निकलता है, क्या निकलता है गुड़िया, Cl नेगेटिव निकलता है, मतलब Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा, K+ के साथ। अभी बेटा एक और गुरु H बचा है, तो अगर बेटा OH नेगेटिव रिएक्शन कराना, एक और H को लेकर उठ जाएगा, फिर एक और K आएगा, वो Cl को लेकर जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बनते जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एक बॉन्ड ये यहाँ पर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ, और एक बॉन्ड बन ही गया, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो इसको गुड़िया बात कितने स्टेप में आपको नहीं करना, ना ही दीदी बात पूछा जाता है और ना ही मुझे आपको इतना सब करवाना है मेहनत, जो क्वेश्चन बन रहा है अपन को दीदी वो पता होना चाहिए, बस KOH की रिएक्शन देखी बेटा कि नहीं देखी, इंपोर्टेंट ये गुड़िया बात करके हमारे क्वेश्चन सही हो, समझ पा रहे हो, पेपर में अभी ज्यादा होशियार बन के भी बहुत कुछ नहीं करना है, और ना ही मैकेनिज्म कभी याद है कि डिस्क्राइब करो लिखो, ठीक है। तो गुड़िया बात करें क्या करना, कुछ मत करना धीरे से, गुड़िया बात करें -2HCl मार दो, क्या करो दीदी बात कर, -2HCl। अब ये स्थिर पता मैं सीधे कहां से निकाल रहा हूं, जी बिल्कुल, इसका दीदी H+, इसका दीदी मान Cl नेगेटिव, हां कि ना बोलूं, एक तो ये बेटा बॉन्ड इधर आ जाए, दूसरा बोलूं बात किसका Cl नेगेटिव और इसका H+, देख रहे हो गुड़िया, ये थोड़ा अपन शॉर्टकट बता रहे हैं ताकि बेटा देखो दूर से ऐसे निकल गया और ये वाला बॉन्ड भी दीदी कहां जाएगा, इस बॉन्ड पे आ जाएगा। तो यहां गुड़िया बात करें क्या बनने वाला है, देखो क्या बनने वाला है, आर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एन एन, ट्रिपल बॉन्ड, दीदी याद है अभी कोऑर्डिनेट की वजह से गुड़िया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगाओ, प्लस लगाओ, इसके ऊपर दीदी क्या लगाओ, माइनस लगाओ, समझ पा, ये सी इसके ऊपर प्लस लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, गुड़िया बात कर, याद है बेटा बात कर, माइनस, और गुड़िया बात की जो दो बॉन्ड आए कोवलेंट बॉन्ड वो वहां ऐसा बना दो, मतलब वही बने गुरु की बना, आर बेटा बात करें N+Cl नेगेटिव, या आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना है, तो गुड़िया बात कर सीधा सीधा वही लिखो, आर गुरु बात करें एन, बेटा बात करें सी, दो दीदी बात करें हमारे पास कोवलेंट बना दिए, कोऑर्डिनेट बना दो, अरे बनाया तो उसके लिए बनाया, गुड़िया बात करिए बन गया सी, ये क्या था हमारे पास आइसोशाइनाइड, क्या था गुड़िया बात हमारे पास, एल्किल आइसोशाइनाइड, एल्किल आइसोशाइनाइड दीदी बात कर, तो ये था बेटू बात कर एल्किल आइसोशाइनाइड, जो गुड़िया बात कर अनप्लीजेंट हमारे पास स्मेल लगता है, इतनी सी गुड़िया बात करें मैकेनिज्म है। अब जब बुक में देखोगे तो तीन तीन बार गुड़िया बात कर बता है KOH की रिएक्शन करवाता है तो इतना भर देता है, आपको जरूरत ही कहां उस चीज की, अगर आप 12th के हो
दीदी बात के तू भी आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, तो केवल आपको गुड़े बात ये रिएक्शन आना चाहिए CH3NH2, इसकी रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में ये बनाओ खत्म, ये 12th की है। अगर यदि आप PMT और IIT के हो तो क्वेश्चन गुड़े बात करें कहां भी आता बेटा बात करें प्रोडक्ट क्या बनता है, समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट गुड़े बात करें हमारे पास कैसा होता है एनपीरिसेंट्स में लगता है। ये दीदी कार्बोनेशन देता कौन है, प्राइमरी एमिन देता है, कौन देता है गुड़े बात करें, एरोमेटिक देता है कि एलिफेटिक देता है, दोनों में देखिए बात करें रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, बात करें डाइक्लोरोकार्बिन, और यदि बनता कैसे ये भी कभी नहीं आता, बस केवल क्वेश्चन इतना सा था दोस्त कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी है डाइक्लोरोकार्बिन। देखिए मैंने आपको इतना बताया गोलू बात करें कि बनती कैसे पता चला कि नहीं पता चला, तो ये भी अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं आता है तो भी तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल तुम्हें दीदी बात करें बताए इस स्टेप को आना चाहिए, समझ पा रहे इसको आना चाहिए। उगड़े कौन सी रिएक्शन नहीं देगी बेटू बात करें कार्बोनेशन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन कार्बल एमीन रिएक्शन नहीं देते गुड़िया बात करें, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये क्या बेटा टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, क्या है गुड़िया बात करें टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, नोट करो फटाफट गुड़िया बात कर क्वेश्चन हुई, क्वेश्चन कहां है बेटा IIT में आया, कहां आया IIT में आया क्वेश्चन, हां जी ना देखो गुड़िया बात कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सो पॉजिटिव कार्बल एमीन रिएक्शन, हाँ कि ना, कौन सा कंपाउंड गुड़िया बात करें कार्बन रिएक्शन रिएक्शन देगा, है कि नहीं। तो अगर अपन पहले बात करें गुड़िया पहला पॉइंट क्या लिखा बेटू बात करें कौन सा कंपाउंड कार्बल एमीन, लिख सकते हैं कार, क्या लिख सकते हैं बेटू कार, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है कौन से दे सकते हैं, पहला पॉइंट देखो दोस्तों हमारे पास, लिखो जरा दोस्त NN डाइमेथल NN IIT लिखने से ऊपर गुड़े है ना NN डाइमेथल, पर इसमें बेटू बात कर मैं आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही दूंगा, ठीक है NN एक ही सही हो सकते हैं, ज्यादा भी सही हो सकते हैं NN डाइमेथल गुड़े बात कर एनिलीन, एनिलीन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन गुड़िया बात करें हमारे पास 2,4 डाइमेथिल 2,4 डाइमेथिल एनिलीन, एनिलीन ठीक। तीसरा ऑप्शन बेटू बात करें ऑर्थोमेथिल एनमेथिल ऑर्थोमेथिल एनिलीन, एनिलीन ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बेटू बात करें किसी का आ जाए तो बता देना है ना, ऑर्थो मेथिल एक और बनाते अपन ऑर्थो मेथिल बेंजिल एमीन, बेंजिल किसको बोलते हैं गुड़िया बात करें, बेंजिल की बात करें जब भी गुड़िया बेंजिल आए हमेशा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर गुड़िया बात करें क्या लेना बेटा आपको CH2, और अगर कोई इससे ग्रुप जुड़ा हो तो इस ग्रुप को अपन क्या नाम देते दोस्त बेंजिल, क्या नाम देते गुड़िया बेंजिल, समझ पा CH2 वाले ग्रुप इसने ग्रुप को अपन बोलते बेंजिल, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर आएगा क्या आपके, चले दीदी चलो ठीक है, हाँ सही है जल्दी करो। देखो एन एन डाई मेथिल अगर मुझे हमारे पास एनिलीन की बात करी करेगा नहीं करेगा, एन एन डाई मेथिल बेटू बात करें आपने क्या बनाया बेटू एनिलीन, तो एनिलीन अपन क्या करते गुड़े याद है NH2 बनाते हैं NH2, पर उसने गुड़े पता है क्या बोला है NN डाइमेथल मतलब गुड़े पता जो एनिलीन का नाइट्रोजन है कि नहीं बेटा एमीन था उसमें गुड़े उसने हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया CH3 और दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी क्या जोड़ दिया CH3, इसलिए इसको बोलते हैं गुड़े बताओ क्या है N N पर एक मेथल और N पर ही बेटा बात करें दूसरा मेथल, तो N दीदी बात करें मेथल और N मेथल इसलिए बोला है NN डाइमेथिल एनिलीन, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ये करेगा सो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा दीदी क्योंकि 3 डिग्री है, आ रहा है नहीं आ रहा है नाइट्रोजन के बेटू तीनों के तीनों गुड़े H रिप्लेस हो चुके हैं R के द्वारा,
तो ये तो नहीं करेगा ठीक, क्योंकि पूरे बात करें कौन सा है तो बात करें टर्सरी थ्री डिग्री एनिलीन 2,4-dimethylaniline। अब दीदी फिर से बताते पीटू बात करें एनिलीन मतलब बुढ़े बात करें ये होता था याद है एन बुढ़े बात करें एच और बीटू बात करें एच। इसको इस तरीके की बात को ओपन करके लिख लिया करो कि यहाँ पे कुछ लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन उसने बुढ़े एन से तो कोई ग्रुप जोड़ा ही नहीं है, उसने जोड़ा बीटू बात क्या पता है कहाँ से 2,4 से। अगर अपन देखें बुढ़े बात करें तो ये कार्बन जिसमें कोई ग्रुप जुड़ा है NH2 जुड़ा है, क्या जुड़ा है बीटू NH2। उस वाले कार्बन को बोलते हैं पहला कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फिफ्थ और सिक्स। आप चाहो तो इस तरफ से भी कर सकते थे। तो एक गुड़े टू पर मेथिल एक कहाँ पर बेटू बताओ एक कहाँ पर गुड़े फोर पर है। मतलब आपको पता ही होता है गुड़े बात करें कि जो नाइट्रोजन होता है एमीन का वो लोन पेयर कंटेनिंग होता है और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप बेटू बात का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर कभी गुड़े बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके ऊपर लोन पेयर है तो ये दूसरे आने वाले ग्रुप को बेंजीन पर या तो जुड़ेगा टू पर या ग्रुप जुड़ेगा फोर पर या जुड़ेगा सिक्स पर, क्योंकि 2,6 आपको बताई थी ऑर्थो है और 4 क्या है पैरा। मतलब आने वाले ग्रुप को कहाँ जुड़ेगा गुड़िया बात करें ऑर्थो पैरा पर। इसलिए इसको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें 2 पोजीशन को ये अपने याद है गुड़िया क्या बोला था ऑर्थो और 3 को क्या बोला था मेटा और 4 को क्या बोला था गुड़िया बात करें पैरा। याद आ रहा है तो अपने क्या बोला बेटू बात करें ऑर्थो और दीदी बात करें मेथिल और पैरा मेथिल। लिखा की लिखा है 2,4 तो ये तो ग्रुप बोलो 2,4 डाइमेथिल या बोल सकता था ऑर्थो पैरा डाइमेथिल। समझ पा रहे क्या था एनिलीन। तो इसमें देखो गुड़िया बात की कौन सा 1 डिग्री एमीन अरे आ रहा नहीं आ रहा इसमें तो केवल दीदी इसका एक ही चैप्टर रिप्लेस किया है। तो जो बेटू बात करे 1 डिग्री एमीन है वो दीदी बात करे क्या करेगा करेगा। मतलब ये तो बेटू बात करे क्या करेगा सेकंड करेगा हां कि ना। थर्ड पर आते हैं एन मेथिल ऑर्थो मेथिल एनिलीन। गुड़िया बात करे अगेन बेटा आपने एनिलीन बनाया एन एच और एच। उसने गुड़िया बात करे बताया क्या बोले याद है कोई पहला कार्बन होता है दूसरा ये तीसरा ये चौथा जो दूसरा होता है वही ऑर्थो होता है चाहे इधर से लो चाहे इधर से ले लो। अगर ये 4 है तो ये 5 है बोलो ये 6 है 6 बारे में क्या है अगर इस तरफ से नंबर कट तो ये 1 ये 2 है ये भी ऑर्थो है। तो 2,6 क्या बोला था याद है ऑर्थो और 5,3 को क्या बोला था मेटा और 4 को क्या बोला था पैरा। तो गुड़े बताओ एन मेथिल है मतलब एक बेटू बात कर समझ गए कि ये गुड़े बात कर एच जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया CH3 ठीक है ये एन मेथिल आ गया दोस्त। जो मेथिल है वो कहां एन पे जुड़ा नाइट्रोजन पे जुड़ा ऑर्थो मेथिल और दूसरा बताओ बोलो CH3 का जुड़ा ऑर्थो वाले नेक्स्ट बेटू बात करें ऑर्थो मेथिल बेंजील एमीन। आपको बेंजील का फॉर्मूला बताया था अब इस बेंजील पे बेटू बात करें आपको एमीन जोड़ना था दीदी बात करें एमीन मतलब यहाँ जोड़ो बुढ़े बात करें NH2 क्योंकि एनिलीन तो बोला नहीं है एमीन बोला है बुढ़े बात करें और दूसरा मैंने बोला ऑर्थो मेथिल। तो अगर बुढ़ी बात करें कोई बेंजील पे ग्रुप जुड़ा है तो इसको बन बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है बन चाहे 2 वाला चाहे 6 वाला ये मेटा है बेटू ये मेटा है और ये क्या है दीदी बताओ पैरा है। अपन को बताओ कहाँ पे मेथिल जोड़ना था ऑर्थो पर चाहे तो इस तरफ जोड़ दो चाहे उस तरफ जोड़ दो मेथिल आ गया। बताओ जरा बुढ़िया बात करें ये एमीन कैसा है प्राइमरी की सेकेंडरी क्योंकि इसके तरह देखो कि बड़े की हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ बंद हाइड्रोजन है इसके पास तो ये भी बुढ़िया बताओ कैसा है ये भी बुढ़िया बात करें 1 डिग्री है कैसा दोस्त 1 डिग्री बुढ़िया बात करें एमीन तो ये भी क्या करेगा समझ में आ रहा है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन आपको इससे देता कि आप सोच पाओ मतलब बेटा बात करें ऐसे क्वेश्चन बुढ़िया बात करें IIT में आते हैं ये बुढ़िया बात करें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसको बुढ़िया बात करें आप नोट कर लो करो बेटा बात कर नोट ठीक है। अब दूसरी गुड़ी बात कर हमने बताया था आपसे अपन बात कर चुके थे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बात कर चुके थे ना। तो आपको एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन बताई थी गुड़ी बात करें हाँ कि ना एरोमेटिक के लिए क्या बोला था बेटू बात करें एक्सेप्ट एरोमेटिक की कंडीशन बताई थी बेटा की 3 कंडीशन थी कितनी कंडीशन थी 3 पहले क्या बोलता गुड़ी कंपाउंड कैसा हो साइक्लिक हो समझ पा रहे एंड प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब क्या बोला था गुड़िया कि साइक्लिक चेन में जो भी एटम है हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए sp2 चाहे गुड़िया कार्बन चाहे नाइट्रोजन अपने हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड तो पढ़े थे फ्यूरेन थायोफिन पढ़े थे नहीं पढ़े पायरोल तो ये गुड़िया बात कर फॉलो करें इसके साथ हकल रूल हकल रूल गुड़िया बात करें क्या था एरोमेटिक के लिए एग्जैक्ट 4n+2 दीदी बात करें इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने होने चाहिए दोस्त इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए याद है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और तीसरा बेटा बात करें क्या बोला था जी तीसरा बोलते पूरी बात करें क्या हो साइक्लिक रेजोनेंस हो ये भी बात की थी अपन ने अरे की थी। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई फॉलो करे तो बेटा बात करें कंपाउंड कैसा एरोमेटिक है
अब गुड़िया बात करें, अपन ने क्या बोला था, अगर तीन में से एक भी कंडीशन यदि बात करूँ तो क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया, एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मैं कह रहा हूँ एक भी, तो उसको अपनी दीदी बात करें क्या बोला था यार, नॉन एरोमेटिक, समझ पाए, तो गुड़िया बीच में आ जाता हमारे पास एंटी एरोमेटिक, क्या था दोस्त, एंटी एरोमेटिक की बात अपन ने की है, अरे की है कि नहीं की है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है बेटू बात करें, तो एरोमेटिक की बात गुड़िया अपन ने क्या बोला पहले बेटू, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में गुड़िया क्या बोला बेटू बात करें, अगर तीन में से क्या हो जाए बेटू, एक भी कंडीशन यदि बात करें क्या हो जाए, अनसेटिस्फाई हो जाए, तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा बात करें, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, तो गुड़िया बात की जो नया आया गुड़िया बात को उसको अपन क्या बोल देते हैं, एंटी एरोमेटिक, दीदी बात करें एंटी एरोमेटिक बेटू बात करें रियल में एग्जैक्ट गुड़िया बात करें किसकी तरह होता है, एरोमेटिक की तरह, एंटी एरोमेटिक क्या बोले गुड़िया बताओ, एंटी एरोमेटिक, ये गुड़िया बात का पता है एरोमेटिक के सारे रूल फॉलो करता है पूरे के पूरे, बस गुड़िया जो हकल रूल है वहां पे बेटू बात का टू नहीं आता है, तो टू की जगह सीधे कितना था, फोर एंड फाइव, क्या था बोलो बात करें, तो पहली कंडीशन तो सारी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइकिल प्लेनर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की बात करें ये फॉलो होनी चाहिए, मतलब हकल रूल फॉलो होनी चाहिए, पर गुड़िया पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो गुड़िया बात करें कितने होंगे, हकल रूल के अकॉर्डिंग यदि बात करें फोर एंड बोलो बात करें पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें बोलो, फोर एंड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यदि बात करें, समझ में आ रहा है, और तीसरी गुड़िया बात क्या अपने पढ़ी है बेटू बात करें, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो गुड़िया यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुमने एन की वैल्यू जीरो रखी तो गुड़िया बताओ सब कुछ जीरो हो जाएगा, और जिसमें बेटो बात करें बताओ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो दीदी कहाँ से बनेगा एंटी एरोमेटिक, तो गुड़िया बात करें एन की वैल्यू कम से कम बेटा कितनी होनी चाहिए बोलो, वन हो टू हो थ्री हो फोर हो, गुड़िया बात करो ऐसे चलते रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमको पता है गुड़िया एन की वैल्यू क्या होती है, गुड़िया जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू एन सोन चल सकती है, अब आपने गुड़िया बात कर याद है इस कंपाउंड की अपने बात की थी, इस कंपाउंड को देखो दीदी, ये कंपाउंड हमारे पास क्या था याद आ रहा है, गुड़िया बात का अपन ने बोला था हमारे पास क्या है, ये प्लस लगा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दीदी प्लस लगा है, तो क्या है बताओ गुड़िया बात का, देख रहे आपको क्या था, ये कंपाउंड कैसा रहेगा, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, बेटा एंटी एरोमेटिक, देख रहे आपको क्या ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन बेटा sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो प्लस वाला sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, क्योंकि दीदी बात का हर जगह एक ही हाइड्रोजन ही तो है, नहीं दिख रहा आपको, एक एक हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ दीदी बात कर एक हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ एक हाइड्रोजन ही तो है, गुड़िया बात कर ये प्लस वाला है कार्बन, इसके पास तीन ही बैलेंस है, तीन का बॉन्ड बना है इसमें, sp2 साइक्लिक है, प्लैनर है, हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, मतलब 4n+2 वाला इलेक्ट्रॉन है क्या, n की जगह दीदी अगर अपन 0 वैल्यू रखें तो बताओ कितना आ रहा है, 4 × 0 0+2 2 वाला इलेक्ट्रॉन, 2 वाला इलेक्ट्रॉन ही तो है, हां कि ना, तो हकल रूल भी फॉलो कर गया, दूसरा बेटा क्या बोला था, साइक्लिक रेजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, आ रहा नहीं आ रहा, कैसा है ये, समझ में आ रहा है, गुड़िया बात करें, अब यही बेटू बात करें आपसे कोई बोले ये वाला कंपाउंड बताओ, एच प्लस, नहीं तो दीदी चार बैलेंस की होगी फिर, मतलब ये कार्बन में दो बॉन्ड, तो पहला इसके साथ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसकी ये पहले वाला कंपाउंड क्या था, प्लस था, एरोमेटिक, अब ये क्या बन चुका है, देखना क्या गुड़िया बात करें हम, तो इसको अगर देखना चाहें, देख रहे हैं आपको, हाँ। क्या गुड़िया बात करें, साइक्लिक है, हाँ है, हाँ। क्या ये प्लेनर है, नहीं। कैसे पता चला दीदी, sp2 पर sp3 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये गुड़िया बात कर, जैसे इसने देखा प्लेनर है ही नहीं, हमारे पास क्या पता चला गुड़िया बात करें, ये है नॉन एरोमेटिक, किधर गया, नॉन एरोमेटिक, अपने बोला था अगर एक भी कंडीशन एरोमेटिक की फेल हो जाए नॉन एरोमेटिक बन जाता है, लेकिन दीदी बात करें अगर यही कंपाउंड बेटू बात कर तुम्हें दिया जाए, दीदी बात कर डबल बॉन्ड बना दिया, मतलब एक एचएस में आ जाएगा दोस्त, एक एचएस में आ जाएगा, अब ये क्या दीदी बात कर, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, हकल रूल फॉलो हो रहा है, हकल रूल में दीदी बात में 4n+2 के अकॉर्डिंग एन की जगह वैल्यू जीरो रखें तो दो होने चाहिए थे, और एन की जगह वैल्यू वन रखें तो 1 × 4 4+2 बात का 6 6 होने चाहिए थे, 6 नहीं है, हकल रूल फेल हो गया, बोलू बात का एरोमेटिक तो नहीं है, बोलू बात करें, समझ में आ रही आ रहा है, मतलब क्या लग रहा है दीदी, नॉन एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन एंटी एरोमेटिक को भी देख लो एक बार, क्या गुड़िया बात करें कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, हाँ जी sp2 भी ठीक है, हकल रूल दीदी बात में 4n+4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 मतलब n की वैल्यू 0 रखो तो दीजिए एक 0 हो जाएगा सब कुछ, और 1 रखते तो दीदी बात 1 × 4 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल फॉलो हो रहा है, दीदी बात का एंटी एरोमेटिक वाला, और तीसरा बेटू बात करेंगे साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, क्या है ये एंटी एरोमेटिक, आ दोस्त नहीं आ रहा, तो क्या एंटी एरोमेटिक पहचान पाओगे, नहीं समझ में आ रहा, मतलब दोस्त आपको क्या करना है, अगर दीदी देखो यही क्वेश्चन उसने किस तरीके से ड्रॉ किया, किया कि नहीं किया बताओ गुड़िया, मतलब वो किस तरीके से गुड़िया बात करे क्वेश्चन आपको वहीं पे बना पे दीदी बात करे कंफ्यूज कर सकता है, प्लस लगा दिया और प्लस लगा दिया,
तो बन चुका है क्या गुड़िया बताओ एरोमेटिक। और अगर दीदी बात करे यहाँ पे गुड़िया बात को उसने डबल बॉन्ड लगाया CH लिख रखा है तो क्या बन चुका है बताओ ये है नॉन एरोमेटिक। और अगर गुड़िया बात करे यही कर रखा है उसने तो क्या बन चुका है दोस्तों एंटी एरोमेटिक। क्या पहचान पाओगे बड़ा सिंपल है कैसा है बड़ा सिंपल है गुड़िया बात करे अगर इस कंडीशन को सारी कंडीशन को फॉलो करे तो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर हगल रूल दीदी बात करे ये सारी कंडीशन को फॉलो करे लेकिन हगल रूल बिगड़े समझ पा वो किसके अकॉर्डिंग है फोरन पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो वो क्या एंटी एरोमेटिक है। और दीदी बात करे पता चला कि ये सारी कंडीशन दीदी बात करे कोई भी कंडीशन फॉलो कर दे तो फिर क्या है दीदी बात करे मतलब साइक्लिक है प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है या फिर फोरन गुड़िया बात करे पता है पाई टू लिप्टोन तो भी क्या नॉन एरोमेटिक है बता सकते नहीं बता सकते कर पाओगे तो ये अपने पहली बात कर चुके लेकिन अपने एक बार और के लिए ताकि ये रिवीजन हो जाए ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे भी डरे एरोमेटिक वाले ठीक है हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है इसको जरा नोट करो बस आज के लिए इतना सुनो गुड़िया बात कर काफी था हाँ कि ना किसी कोई दिक्कत है प्रॉब्लम समस्या चलो तो फिर अपन क्या करते हैं गुड़िया बात करें इसको नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे किसके बारे में कैनिजर रिएक्शन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे कैनिजर रिएक्शन के बारे में तो क्या कह रहे हो युवराज कुछ कह रहे हो तो इसको गुड़िया बात करें क्या करो लाइक करो हाँ ये कहना चाह रहा लड़का कि लाइक ठोको है कि नहीं तो ठोको जो भी ठोकना है दीदी बात करें लाइक ठोको शेयर करो सब्सक्राइब करो ताकि जब भी ऐसी गुड़िया बात की यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये जो क्वेश्चन हैं बेटा बात करें वो IIT और गुड़िया बात करें नीट में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा समझ पा रहे तो चलो इसके लिए काफ़ी है।